हेलो दोस्तों, अभी अभी यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो गया नहीं, आज आएगा फैसला, सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, आज इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आप सभी को पता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इसका नोटिफिकेशन आया है। देश भर में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोर्ट ने है जो 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया था। उसके बाद में 26 को है आने का था, बट वो आया नहीं था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ कर रही थी। पीठ ने 18 अगस्त को फैसला था वो सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी अंतिम दलील थी वो दाखिल करने के लिए कहा गया था। बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई को देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में यूजी स्नातक और पीजी प्रस्नातक के पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने के लिए संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था, बट वो कोविड-19 के चलते परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा था। इसी कारण से ये था आया था, जिसमें यूजीसी के इस कदम को लेकर देश भर के अलग अलग संस्थानों के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में है याचिका दायर कर दी थी। और इसमें अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिका में छात्रों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर किया जाना था। तो इसके अंदर क्या था, आज यह फैसला आने वाला है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।